गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा करे तो बेकाबू हो जाता है, पर जब शांत होता है और उसी व्यक्ति के साथ कुछ व्यवहार करना होता है तो वो अपनी विवेक बुद्धि से काम करता है, वो अपना नेचर के खिलाफ कुछ नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फैमिली में दो तीन भाई बहन थे। अभी बहन के लड़के की शादी होने वाली थी। बहन भाई बहनों में बहुत अच्छा बनता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से बहन के घर आना जाना बंद ही जैसा हो गया था। फ़ोन पे बातें चलती रहती थी। अभी उसके बेटे का शादी का वक्त आ गया। उसके पहले इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात ही मत पूछो, एक दूसरे के घर क्या, एक दूसरे के सामने देखने का भी व्यवहार नहीं रहा। फिर इतना गुस्सा आता था उसके दूसरे भाई बहन को कि उसके घर जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर जब शादी का दिन आया, न्योता नहीं दिया, इनविटेशन नहीं दिया था, अगले दिन आगे इनविटेशन दिए। चलो ठीक है, इनविटेशन तो मिल गया, फिर भी उन लोगों ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम जाएंगे नहीं। बहुत अनाप शनाप बोलते थे उनके बारे में, लेकिन जब दिन आया उस दिन वो लोग अपना ईगो ईगो छोड़ के उसके घर गए, बेटे को अच्छे से शादी में एंजॉय किया, सब कुछ करके। आदमी कितना भी गुस्सा हो, किसके ऊपर भी इतना भी गुस्सा हो, लेकिन जब समय आता है कुछ करने का तब वो अपने मन की सोचता है, क्योंकि वो अपने संस्कार नहीं भूलता। हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इसी अच्छी सोच के साथ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा आए, लेकिन किसी के साथ भी हमारा व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहिए, ये हमारे संस्कार। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ मैं पत्र लिखा जो हर रोज़ कहती हूँ, आज भी कहती हूँ। Keep smiling always.